क्लास थर्ड पेज नंबर 31 ऑफ लेसन नंबर 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर। दीज आर द टाइप ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट आर डिजाइन टू रन ए कंप्यूटर्स हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आवर थर्ड हेडिंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। ये बहुत सारे प्रोग्राम मिलके एक सॉफ्टवेयर बनता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। डेट आर डिज़ाइन, जो कि बनाए जाते हैं टू रन, रन मतलब चलाने के लिए कंप्यूटर के हार्डवेयर को। हार्डवेयर मीन्स मशीन पार्ट को, मशीन पार्ट मीन्स प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सभी क्या है? हार्डवेयर। एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू लास्ट टाइम। बिजनेस सॉफ्टवेयर, एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, मेडिकल सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। ओके, so system softwares are the type of computer programs or you can say group of programs that are designed, jo ki banaye jate hain chalane ke liye, to run, okay, to run a computer's hardware and application program. Hopefully it is clear to you. Some examples are given here. Number one is BIOS, B for basic, I for input, O for output and S for system. Number two is boot program. Boot program is used to make computer ready to work. इसका मतलब क्या है कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, just like other machines, वो ऑन हो जाता है, उसके अंदर लाइट नज़र आ रही है, ठीक है, कि हाँ ये मशीन ऑन है, but this machine is not ready to work. जब तक कि उसके अंदर बूट प्रोग्राम नहीं होगा। बूट प्रोग्राम कंप्यूटर को बनाता है इस काबिल कि वो लिख सके, पढ़ सके और समझ सके। ओके, कंप्यूटर को इस काबिल बनाता है, रेडी टू वर्क बनाता है, जैसे जिससे कि वो रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो कर सके। जो भी इंस्ट्रक्शंस हम उनको दे रहे हैं वो उसको फॉलो कर सके। दैट इज़ नोन एज boot program. It makes computer ready to work. Number three is device driver. Device driver भी एक software है और आप कह सकते हैं एक group of files है, बहुत सारे program है उसके अंदर. What is the function of that? It sends and receives the data correctly to hardware devices. जो भी hardware हमारे computer के साथ attach हैं, जैसे माउस को हम अटैच करते हैं, कीबोर्ड को अटैच करते हैं, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सभी कुछ सीपीयू के साथ अटैच होता है। ओके, तो डिवाइस ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है कंप्यूटर की कि वो सारे जितने भी अटैच हार्डवेयर हैं, मशीन्स हैं, उनकी वर्किंग को प्रॉपरली हैंडल कर सके, जिससे कि सेंडिंग और रिसीविंग द डाटा में ईजी हो जाए। ओके, और सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ओके, डिवाइस ड्राइवर इज़ ए सॉफ्टवेयर, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ फाइल्स, इट हेल्प्स इन सेंडिंग एंड रिसीविंग द डाटा करेक्टली टू हार्डवेयर डिवाइसेस। जो भी हार्डवेयर अटैच हैं उनकी रीडिंग, राइटिंग, सेंडिंग, रिसीविंग प्रॉपर वे में चलती रहे। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज़ ऑल्सो ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। इसकी क्या फंक्शनिंग है? डैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेज। जो भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हार्डवेयर हो या सॉफ्टवेयर, ओके, एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़, जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन पे क्या नज़र आता है? विंडोज़ लिखा हुआ।
तो विंडोज इज द एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। विंडोज की हेल्प से ही कंप्यूटर में मालूम चलता है कि कौन कौन सी मशीन उनके साथ अटैच हैं, अवेलेबल हैं, वर्किंग ऑर्डर में हैं, और कौन कौन से सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। फिर वो उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स डैट मैनेजेस द कंप्यूटर रिसोर्सेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड फंक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। होपफुली इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या हैं? दीज आर डिज़ाइन टू हेल्प एनालाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। ये प्रोग्राम्स कंप्यूटर की हेल्प करते हैं और बताते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको अच्छे से चेक करते हैं, किस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, हार्डवेयर में प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, और किस तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, वो चेक करते हैं बहुत ध्यान से और समझने की कोशिश करते हैं, और फिर उसको मेंटेन भी करते हैं। मेंटेन मीन्स रिपेयर करते हैं। ठीक है, मेंटेन मतलब रिपेयर भी करते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन टू हेल्प एनालाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि एंटीवायरस प्रोग्राम, एंटीवायरस प्रोग्राम पता लगाता है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस आर देयर, सो व्हाट टाइप ऑफ वायरस इज देयर, ओके, कौन सा वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा रहा है उसका पता लगाता है और उस वायरस को हटाने में हमारी हेल्प करता है। एंटीवायरस प्रोग्राम, ओके, इट इज़ वेरी गुड प्रोग्राम। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, फाइव मेजर प्रॉब्लम एरियाज। कहाँ कहाँ कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, वेयर यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर हेल्पफुल आर एज फॉलोज। ये फाइव पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दीज आर द एरियाज कंप्यूटर में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। नंबर वन इज फाइंडिंग एंड फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स, कि कौन सी प्रॉब्लम है उसका पता लगाना। फाइंडिंग मीन्स सर्च करना, एंड फिक्सिंग और उसको फाइनल करना, हाँ डिसाइड करना ये प्रॉब्लम है, किस पार्ट में प्रॉब्लम है, ओके, फिक्स करना, पहले फाइंड करना फिर फिक्स करना, ढूंढना और पक्का कर लेना, डिसाइड कर लेना कि हाँ ये प्रॉब्लम है। नंबर टू, टेस्टिंग इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स, जो भी इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स हैं उनको टेस्ट करना। पेरिफेरल मतलब हार्डवेयर, मीन्स मशीन पार्ट। नेक्स्ट, टेस्टिंग रैम, रैम को टेस्ट करना। रैम मीन्स मेमोरी, एक ऐसी मेमोरी जहाँ पे यूज़र अपनी फाइल्स को स्टोर करते हैं, ओके, उस एरिया को टेस्ट करना। मदरबोर्ड, मदरबोर्ड इज़ द वेरी बिग बोर्ड इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, उसके अंदर पता लगाना कि कोई प्रॉब्लम है, चेक करना। वीडियो कार्ड्स, वीडियो कार्ड में कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, रिकवरिंग डिलीटेड फाइल्स, अगर कोई फाइल डिलीट हो गई है बाय मिस्टेक तो उसको हम फिर से यूज़ में ला सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। और फिक्सिंग डैमेज्ड डिस्क, ओके, और जिसका जो ख़राब हो चुकी हैं, डैमेज हो चुकी हैं, उसको हम मार्क कर देते हैं, उसको हम मार्क कर लेते हैं। जैसे हम आपकी कॉपी में मिस्टेक को मार्क करते हैं रेड पेन से, इसी टाइप से कंप्यूटर में भी मार्क कर लेते हैं कि कहाँ पे डैमेज्ड डाटा या डिस्क में कहीं भी किस पोर्शन में क्या चीज़ ख़राब हो चुकी है। इम्प्रूविंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, और फाइनली हम कंप्यूटर को अच्छा बना सकते हैं, गुड वर्किंग वाला कंप्यूटर बना सकते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे फाइव एरियाज आपने देख लिए, दीज आर द प्रॉब्लम एरियाज जहाँ पे हम यूटिलिटी प्रोग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, दीज आर द फाइव मेन और यू कैन से मेजर प्रॉब्लम एरियाज
इन दीज एरियाज वी कैन यूज यूटिलिटी प्रोग्राम्स. इज इट क्लियर टू यू?